मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, आप लोगों का इतना मुझे प्यार मिला, आपकी दुआओं में जो आशीर्वाद मिला, इसके कारण मेरे 100+ सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की दुआओं का, आशीर्वाद का असर है दोस्तों। तो आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता था। और ये पहला मेरा आपके सामने आकर पहला मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। तो अभी तक हमने देखे थे, मुझे आप लोग आप लोगों ने सुना था ऐसे ही ऑफलाइन, है ना। तो अभी तो आप आज देख सकते हैं मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना है ना। तो कैलकुलेशन का को आसान बनाना है तो उसका पार्ट फर्स्ट देखा था हम लोगों ने। तो आज हम उसी का पार्ट सेकेंड लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे आप लोगों को कैलकुलेशन अपना इजी करना है, है ना, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाते जा रहा हूँ, आप लोग उसे सीखते जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों का कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और जितना चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आप लोग उसको सीखते जाइए, ठीक है। देखिए, आज हम लोग देखते हैं दोस्तों, 5, 25, 125, 625 का गुना है ना। देखिए, जैसे 5 का हम 6 में गुना करना है, 5 × 6, आप सभी लोग जानते हैं 5×6 होते हैं, है ना, 5×6 30 होता है। तो 5×6 30 हुआ। तो जब भी किसी नंबर में 5 का गुना करना है दोस्तों, तो उस नंबर को पहले आधा कर दीजिए, है ना, आधा कर दीजिए। आधा मतलब 2 का भाग दे दीजिए। तो अगर 2 का भाग दे देंगे तो 2×6 होता है, 2×6 और 10 बढ़ा दीजिए, है ना। जैसे मैंने बोला आपको 5 में अभी मान लीजिए 16 का गुना करना है, है ना, 16 का आधा 8 और 10 बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये क्यों होता है दोस्तों, और आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, 5 मतलब होता है आपका 10/2, है ना, 25 मतलब होता है आपका 100/4। यहाँ 10 बढ़ते जाएगा और यहाँ 2 बढ़ते जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई गुना होते जाएगा। 125 करोगे आप तो 1000/ कितना हो जाएगा आपके पास में, 8, है ना। और 625 तो 10000/16। तो ये चीजें ऐसी बढ़ते जाएगी इधर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, इतनी चीजें मतलब ऐसी चीजें बढ़ती जाती है। अब देखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 × आपको 17 भी करना है ना, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप पहले कर लीजिए 17 का आधा कर लीजिए, अगर नहीं आता तो मगर उसमें आपको उसमें कठिन लगता होगा तो पहले 0 बढ़ा दीजिए। तो कितना हो गया आपका, 170 हो गया ना। 170 में आप 2 का भाग दीजिए तो 2×8=16 और 2×5=10 है, इजी है। तो देखिए, 5×84, तो 84 का आधा 2×4=8 और 2×2=4=10 बढ़ा दिया आपने, इजी है दोस्तों। देखिए, अब इसी को लेके चलते हैं हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, 84×25 करना है आप लोगों को, 84×25 करना है, है ना। अब 25 का गुना मतलब 4 का भाग दे दीजिए उस नंबर में, 4×2=8, 4×1=4 और कितने 0 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, ओके। उसके बाद आप लोगों को जैसे 48×25 का गुना करना है तो 48×4 का भाग दे दीजिए, 4×1=4, 4×2=8, 2 बढ़ा दिए आपने, इसी है दोस्तों। देखिए, अब इसी में ये 25 का हो गया, अगर इसी में आपको मान लीजिए 48 में ही 125 का मल्टीप्लाई करना है, 48 में ही 125 का मल्टीप्लाई गुना करना है आप लोगों को, तो 48 में कितने का भाग देंगे आप,
आठ का 8 × 48 और कितने जीरो जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो बढ़ा दिए, हो गया आपका आंसर आ गया, है ना। 512 × 125, तो 8 का भाग दे दीजिए पहले, तो 8 × 48 और 8 × 32 और कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो। इजी है दोस्तों। जैसे 512 में 625 का गुना करना है, तो यहाँ कितने का भाग दे दीजिए, 16, तो 16 × 48 बचेगा कितना, 3 × 2 = 32, 16 × 2 = 32 और कितने जीरो बढ़ा देंगे, 625 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने, 4 जीरो बढ़ा देंगे, हो गए। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो चीज़ों को आप ऐसे ही लेके जा सकते हैं। जब भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 से भाग दे दीजिए उस नंबर को, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 25 से आपको गुणा करना है, 25 से अगर आपको गुणा करना है तो 4 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 125 से गुणा करना है तो 8 से भाग दे दीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 625 से भाग देना है तो 16 से भाग दे दीजिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसी 5, 25, 125, 625 का गुणा देखें। अब इसी का हम भाग देख लेते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या में इस संख्या का अगर आपको भाग देना है तो जस्ट चीजें दोस्तों इसके अपोजिट हो जाएगी। जैसे हमने वहां 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, ये सारी चीजें अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 का भाग दे तो 2 का गुना करेंगे 10 का भाग देंगे, 2 का गुना करेंगे 10 का भाग देंगे। यहाँ पे 25 में क्या कर देंगे आप, 4 का गुना करेंगे 100 का भाग देंगे, 125 में 8 का गुना करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, 625 में 16 का गुना करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। इजी है दोस्तों। देखिए अगर आपको 6 में 5 का भाग देना है तो जनरली भाग आप लोगों हम लोग भाग देते हैं 5 × 5 = 10, ऐसे दे दिए। लेकिन देखिए अभी छोटा नंबर है करके आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन बाद में हम बड़ा नंबर पिक करेंगे तो आपको इजी लगेगा उसमें भी। देखिए 5 × 5 = 5, 2 × 10 ऐसे तो कर दिया आपने। ऐसे अगर मैंने बोला कि 5 का भाग देना है आपको तो 6 में 2 का गुना कर दीजिए, 6 में 2 का 6 × 2 = 12 और 10 का भाग देना है 10, 100, 1000, 10000, इसका भाग देना इजी होता है। तो 6 में 2 का गुना कर दे, 6 × 2 = 12 और एक नंबर के बाद दसम, 6 × 2 = 12 और 10 का भाग देना है मतलब एक नंबर के बाद दशमलव लगा दिए। इसी में अगर मान लो आप लोगों को किसका 66 में 5 का भाग देना है तो इसमें 66 में 2 का गुना कर दीजिए तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 13, 132 हो गया आपके पास और एक दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको 84 में 25 का भाग देना है तो देखिए दोस्तों यहाँ तो थोड़ा सा आपको यही पे आपको समझ में आ जाएगा, 84 में 85 का भाग देना है आपको, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई चीजें, लेकिन अगर आपको चीजें पता रहेगी तो हाँ कि इसमें 4 का गुना कर देंगे आप, 4 × 16 हासिल का 1, 4 × 8 = 32 और 1 = 33 और 4 का गुना करने के बाद 100 का भाग देना है मतलब कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1, 2 यहाँ दशमलव लग जाएगा आपका, तो आंसर 3.36 हो गया, है ना। तो आगे देखते हैं आपके पास में, जैसे आपके पास में 512 है, 512 में आपको 125 का भाग देना है, 512 में 125 का भाग देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 8 का गुना कर दीजिए इसमें, 8 × 2 = 16, हासिल का 1 और 1 = 9 और 8 × 5 = 40, 40×96 आ गया आपके पास और 1000 से भाग देना है आपको तो कितने जीरो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, ये तो 4.096 आपका आंसर हो जाएगा। चीजें बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आप चीजें जो चीजें मैं आप लोगों को बताया आप चीजें घर पे इस पे ट्राई करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आज मैं चीजें गुना मल्टीप्लाई पे ही बात करूंगा दोस्तों। देखिए जनरली हम लोगों को गुणा करना ऐसे सिखाया जाता है, जैसे देखिए 17 × 13 करना है हम लोगों को, है ना, 17 × 13 करना है हम लोगों को
तो 17 × 13, अभी जो चलिए 17 या 13 का टेबल हमको पता होगा, पहाड़ा पता होगा, तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे। लेकिन देखिए चीजों को हम ऐसे इजी करेंगे दोस्तों। देखिए अगर मैं इसको माइंड, अभी देखिए 10 × 3 है, ये 10 × 3 है, तो अगर 10 × 17 × 10 कितना हो जाएगा, 170। 17 × 10 170, और 17 × 3 51। देखिए अभी मैं राइट करके बता रहा हूँ, फिर ओरल करेंगे। 17 × 10 170 हो गया, और 17 × 3 51। अब इसमें भी जो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमको जो प्लस करना है, तो यहाँ से हम 51 में से पहले इसको 30 दे देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 200। इसको यहाँ से 30 दे दिए थे तो 200 बन गया ये, तो बचा यहाँ से कितना, 21। तो 200 और 21 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 221। तो देखिए अब मैं वो रल करता हूँ, 17 × 13 करना है मुझे। तो देखिए 17 × 10, यहाँ से 10 पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 17 × 10 170, और 17 × 3 51, ठीक है ना। तो 170 और 50 कितना हो गया आपका, 220, और 1 221। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, 17 × आपको 15 करना है, 14 × 15 करना है, क्योंकि तो किसी भी एक, या तो इसको 10+4 लिख दीजिए, या इसको 10+5 समझ लीजिए। मैं इसको समझ रहा हूँ 10+4, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 15 × 10 150 हो गया, 150, और 15 × 4 60, तो 150 और 60 आपका हो गया 210। दोस्तों चीजों को आप ऐसे ही लीजिए, बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। 17 × 18 करना है आपको, ठीक है ना। कोई भी नंबर, अभी तो हम रेंडमली कोई भी नंबर पिक कर रहे हैं। 17 × 18, तो 18 × 10 180, 18 × 10 180, और 18 × 7 कितना बताइए, 18 × 10। देखिए 18 × 10 180 हो गया आपके पास में, है ना, और 18 × 7 126, 7 × 8 56 हासिल का है 5, 7 × 7 7 × 5 12 126। अब देखिए इसमें भी 180 में 100 प्लस कर देंगे आपके पास, तो 280, 280 और 200 सॉरी हाँ 280 180 और 100, 280, 280 और यहाँ से 20 ले लेंगे तो 300 हो जाएगा, और 6 306 हो गया आपके पास में। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज छोटा सा सेशन लेके आया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और ये आप लोगों के सामने मेरा फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों। अब डेली आपको ऐसे ही मैं टीच करूँगा, और फिर से एक बार दोस्तों आप लोगों को दिल से धन्यवाद मेरे 100+ सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।